यू आर वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा था यहाँ तक आई क्रॉस टू अब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ हेल। यहाँ से अब हमें शुरू करना है। कहता है लेखक कि अब मैं उस अवस्था में जा चुका था कि अब मुझे कुछ नहीं पता था, अर्थात लेखक बेहोश की कंडीशन में जा चुका था। वैसे अब्लिवियन का मतलब होता है भूल जाना, विस्मृति हो जाना, एंड द जीवन का पर्दा पड़ चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वाज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। कहते हैं कि अगली बात जो मुझे याद है, सिर्फ इतना याद है कि मैं पेट के बल्ब जो तालाब था उसके पास में पड़ा हुआ था, लेट रहा था, वॉमिटिंग उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे तालाब में फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा मरने के कगार पर है। बी ऑल राइट नाउ, सब ठीक हो जाएगा अब। लेट अस कैरी हिम टू दी लोकर रूम, आओ इसको लोकर रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर लेटर, कई घंटों के पश्चात में आई वॉक्ड होम, मैं पैदल चल के घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सुक एंड क्राइड, मैं कांपा और मैं चिल्लाया। वैन आई ले ऑन माई बेड, जब भी मैं बेड पर लेटा। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात्रि को मैं खाना नहीं खा सका। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, क्योंकि कई दिनों तक ये पानी का डर मेरे दिल दिमाग में बना रहा। द स्लाइटेस्ट इजेक्शन अपसेट मी, थोड़ा सा परिश्रम भी मुझे थका देता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, कहता कि थोड़ा सा परिश्रम भी मुझे मेरे घुटनों में दर्द करा देता, मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते, एंड सिक टू माई स्टोमक, को मेरे पेट में दर्द हो जाता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस तालाब पर कभी लौट कर नहीं आया, कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, मैं पानी से जब कभी भी होता मैं इससे बचने का प्रयत्न करता, मैं पानी से बचने लगा। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के पश्चात में, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कास्केड्स, फिर मैंने जलप्रताप के पानियों के बारे में पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उस जलप्रताप के पानी का आनंद उठाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब भी कभी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, कहते कि लेखक कहते जब भी मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर में मैं चला पानी का आनंद लेने के लिए, या बेदिंग इन वॉर्म लेक ऑफ द गोटरॉक्स, या गोटरॉक्स की गर्म पानी के झीलों में मैंने स्नान करने की इच्छा की। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, पानी का वो भय जिसने मुझे पकड़ रखा था, इन द पूल, उस तालाब में, वुड कम बैक, वापस आ जाया करता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इस डर ने कम्प्लीटली मेरे ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी जो टांगे थी वो पैरालाइज हो जाती थी। आई सी हो वुड ग्रैब माई हार्ट, कहते हैं कि बर्फ की तरह ठंडा कर देने वाला इस डर ने मुझे मेरे दिल में ये बैठा था। कहता है बर्फीला आतंक मेरे हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाई, कहते कि समय बीतने के साथ साथ यह जो डर था पानी का यह मुझे जकड़े रखा। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन, कहता है कि कैनोइज का मतलब होता है नौका विहार करना, छोटी नावों में पानी में घूमना। कहते जब कभी भी मैंने मेन लेक के अंदर नौका विहार करने की इच्छा की, जिससे मैं सैमन नामक मछली को पकड़ने का आनंद ले पाता, उस डर की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पायर, कहते न्यू हैम्पशायर के अंदर मैं बेस फिशिंग भी नहीं कर पाया। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलिस इन ओरिगन के अंदर डेस्ट्यूट्स और मेटोलिस फिशिंग भी मैं नहीं कर पाया। ट्राउट एक प्रकार की मछली होती है, अर्थात ट्राउट मछली की फिशिंग भी लेखक नहीं कर पाया। फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में
लेखक सैमन नामक मछली की फिशिंग भी से भी वंचित रह गया। एट बम्पिंग लेक इन कास्केड और किसी जलप्रताप में बम्पिंग झील का आनंद भी लेखक नहीं उठा पाया। वैन एवर आई वेंट, जब कभी भी मैं जाता, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, तो वही डरा देने वाला, आतंक कर देने वाला डर हमेशा मेरे साथ रहता। इट रुइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी फिशिंग जो यात्राएं सारी तबाह कर दी थी। डिप्राइड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, लेखक कहता है कि इस डर की वजह से मेरा स्विमिंग का, तैरने का, बोटिंग नाव पानी में नाव चलाने का और कैनोइंग और नौका विहार करने का सारा जो आनंद है उससे इस डर ने मुझे वंचित कर दिया था। आई यूज एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, कहता कि इस डर पर विजय पाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया, जो भी रास्ता मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे हमेशा से ही अपनी गहन पकड़ में रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, अंततः 1 अक्टूबर को मैंने निर्णय लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को प्राप्त करूंगा एंड लर्न टू स्विम और स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक तालाब पर गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 डेज ए वीक, और 1 सप्ताह में 5 दिन तक मैंने प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, कहते कि प्रतिदिन 1 घंटा मैंने प्रैक्टिस की। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, कहता कि उस इंस्ट्रक्टर ने मेरे पुट ए बेल्ट अराउंड, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट कस दी, अर्थात मुझे एक बेल्ट पहना दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुल्ली, कहता कि उस बेल्ट से उसने एक रस्सी को बांध दिया और इस रस्सी को उसने उस पुल्ली के ऊपर से चलाया। दैट रेन ऑन एन आवर हेड केबल, जो पुल्ली ऊपर से जो रस्सी जा रही थी उस रस्सी के ऊपर से चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, ही का मतलब है कि वो उस इंस्ट्रक्टर ने रस्सी का दूसरा छोर पकड़े रखा। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ एक्रॉस द पुल, कहता कि वी वेंट बैक, हम वापस जाते और आगे बढ़ते, फिर वापस जाते और फिर आगे बढ़ते, इस पुल के चक्कर लगाते। कहने का मतलब क्या है कि इस पुल को लेखक तैर के एक छोर से दूसरे छोर तक आता और जाता। अब कहता है आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, कहता कि हर दिन, वीक आफ्टर वीक और सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, कहता है कि कहता है तालाब को पार करते समय प्रत्येक यात्रा के दौरान थोड़ा सा भय मुझे जकड़ लेता। आगे कहता है बिट सीज्ड मी ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, कहता कि हर बार जो इंस्ट्रक्टर था वो रस्सी के ऊपर अपनी पकड़ को थोड़ा सा ढीली करता। एंड आई वेंट अंडर, और जब मैं पानी के नीचे जाता, सम ऑफ ऑल टेरर रिटर्न्ड, तो थोड़ा सा डर वापस लौट आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, मेरी टांगें जम जाती। इट वॉज 3 मंथ बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक्स, कहते कि मुझे इस चिंता से मुक्त होने में 3 महीने का समय लग गया। आगे कहता है देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, फिर उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि मैं अपने फेस को पानी में नीचे रखूं और सांस को छोड़ूं। एंड रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर अपने नाक को ऊपर उठाऊं और सांस को अंदर खींचूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, कहता जिस डर ने मुझे पकड़ रखा था थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसे मुक्ति पाई। वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सर पानी के नीचे जाता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड सेड मी किक विद माई लेग्स,
फिर उसने मुझे उस तालाब के पास में पकड़े रखा और मुझसे कहा कि मैं कि अपनी टांगों को मैं चलाऊं। फॉर वीक्स सप्तों तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने केवल ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने जो ऐसा करने से मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो आराम में आने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं अपने टांगों पर अपना आदेश जमा सकता था, अर्थात मेरी टांगें मेरे आदेश को मान सकती थी। दस पीस बाय पीस, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट मी स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने मुझे हर कला में निपुण कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, फिर उन सभी कलाओं को का उसने एकीकरण किया, अर्थात सभी कलाओं को कैसे यूज करना वो लेखक को सिखाया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, कहते कि अब तुम जो गोता लगाओ और इस तालाब की लंबाई को तैर के पार करो। क्रेवल स्ट्रोक रेंगने वाले स्ट्रोक से तालाब को तैर के पार करना। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इस प्रकार से इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरस्टिकन, मैं ये जानना चाहता था, मुझे हैरानी थी कि क्या मैं अभी भी, मेरे अंदर वो भय था। वैन आई वॉज एलोन इन द पुल, जब मैं पुल में बिल्कुल अकेला था, आई ट्राइड इट, मैंने ये देखने का, ये जानने का प्रयत्न किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, फिर मैं उस तालाब में तैर कर गया, उस तालाब की लंबाई में तैर कर गया और तैर कर ही वापस लौटा। टाइनी विस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा सा उस भय का अंश वापस लौट के आता। नाउ आई कुड फ्रोन, अब मैं अपने माथे को सिकोड़ सकता था। एंड से टू दैट टेरर, और उस आतंक से कह सकता था, ट्राइंग टू स्कैर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हे अरे वेल ठीक है, हियर इज टू यू, तो ये गोता तुम्हारे लिए, लुक तो देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ दी पूल, फिर मैं ऐसा कह के तालाब का दूसरा चक्कर लगाने के लिए चला जाया करता था। This went on until July. ऐसा जुलाई तक चला। But I was still not satisfied. लेकिन मैं अभी तक भी संतुष्ट नहीं था। I was not sure. मुझे पक्का विश्वास नहीं था that all the terror had left. कि पूरा भय, पूरा आतंक समाप्त हो चुका था। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire. इसलिए लेखक कहता है कि वो New Hampshire में Wentworth नामक कोई झील है, वहाँ पर गया। डाइव ऑफ ए डॉक एट टिग्रिस आइलैंड, टिग्रिस आइलैंड में एक जगह है डॉक, वहाँ से लेखक ने गोता लगाया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और फिर उसने उस झील की पूरी 2 मील की दूरी तैर के पार करी। और फिर लेखक तैरता हुआ स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक आया। एंड आई स्वैम द क्रेवल ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। इस प्रकार से जो लेखक ने स्ट्रोक यूज किए वो ये थे, क्रेवल स्ट्रोक, ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही वो डर लौट के आया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब लेखक झील के बिल्कुल बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने पानी में अपना चेहरा रखा। एंड सा नथिंग, कुछ नहीं दिखाई दिया मैंने, बट बॉटमलेस सी, सिवाय अंतरहित पानी के। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ा सा सेंसेशन लौट कर आया। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, यह चला गया और मैं तैरता रहा। जट आई हैड रिजिड्यूअल डाउट्स, अभी भी मुझे कुछ संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, इसलिए अपने पहले अवसर पर मैं जल्दी से वेस्ट गया। वेंट अप द टाइटन टू कनरोड
मेडो, उसके बाद मैं टाइटन गया, टाइटन होते हुए कॉनरोड मेडो गया, अप कॉनरोड क्रिक ट्रेल ट्रेल सा अप कॉनरोड क्रिक ट्रेल। फिर कहते हैं कि कॉनरोड क्रिक ट्रेल होते हुए मेडी ग्लेशियर गया एंड कैंप्ड इन हाई मेडो बाई द साइड ऑफ वॉर्म लेक। कहते कि गर्म झील के पास में जो ऊंचा चारागाह था, लेखक ने वहाँ पर अपना एक शिविर लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप्ड, कहते अगले प्रातः मैंने अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इन टू द लेक और उस लेक में डुबकी लगाई, एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। फिर लेखक इस झील के दूसरे छोर तक गया और वापिस आया। जस्ट एज डॉग कॉप्रॉन यूज टू डू, जैसे कि जो डॉग कॉप्रॉन किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, मैं जो है चिल्लाया बड़ी खुशी से। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और मेरी ये चीख गिलबर्ट चोटी के ऊपर जो है टकरा कर वापिस आई अर्थात गूंजी। आई हैड कन्क्वर्ड माई फियर वाटर, मैं अपनी पानी के डर पर विजय प्राप्त कर चुका था। आगे कहता है द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, कहता कि ये अनुभव मेरे लिए बहुत गहन मीनिंग रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्टर एंड कन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, कहता कि मेरी प्रशंसा केवल वही कर सकता है जो ये जानता है कि स्टार्क टेरर क्या होता है और इस पर विजय पाना क्या होता है। इन डेथ देर इज पीस, कहते कि मृत्यु में शांति है। देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के डर में ही आतंक है। ऑल वी हैव टू सॉरी एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था, वैन ही सेड, जब उसने पंक्तियाँ कही, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, कहता कि जो कुछ हमारे पास है, जिस किसी से हमें डरना है तो अपने आप में एक डर है। अर्थात क्या कहना चाहता है, इंसान को डर से ही लगता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि लेखक ने तो दोनों चीज़ों को महसूस कर लिया है, मरने की सनसनी से, मरने के डर से, दी टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस आतंक से जिससे कि डर उत्पन्न होता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, कहता है और इस प्रकार जो प्रबलता में किसी तरह भी जीने की इच्छा शक्ति दोनों का अनुभव लेखक ने लिया है। आगे कहता है एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने बड़ी आज़ादी महसूस की, मैंने बड़ा सुकून महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर, कहता है मैं स्वतंत्र था चलने में, कहता मैं स्वतंत्र था नीचे की ओर जाने में और चोटी के ऊपर चढ़ने में और अपने डर को एक तरफ करने में। अर्थात लेखक को अब भली प्रकार से तैरना आ गया था, उसे किसी प्रकार कोई डर नहीं था, वो चोटियों पर स्वतंत्र रूप से चढ़ सकता था और अपने डर को एक साइड कर सकता, निडर रूप से वो चढ़ सकता था। आई थिंक चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।